हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग होम ग्रो विद रवीना। तो जैसे कि कल है गणेश चतुर्थी, और हर साल की तरह इस बार भी हमारे घर में आने वाले हैं हमारे गनु महाराज जी। गनु महाराज जी जब जब हमारे घर में आए हैं, खूब सारी खुशियां लेकर आए हैं। और जैसे गेस्ट हमारे घर में कुछ दिन के लिए आते हैं, वैसे ये रीत है कि गेस्ट को गेस्ट की तरह ही रहना होता है। आकर कुछ दिन ही रहते हैं वो आकर यहाँ पे, और फिर वापस उनको अपने घर जाना होता है। तो वैसे ही गनु महाराज जी हमारे घर आ रहे हैं, और जितने भी दिन के लिए वो हमारे घर पे आ रहे हैं, उनकी अच्छी सी हम पूरी कोशिश करेंगे हम उनकी पूरी सेवा कर सकें, उनको खूब अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर हम खिला सकें, खूब अच्छा अच्छा खाना बनाकर उनको खिला सकें। तो बेसिकली ये व्लॉग होने वाला है गणेश चतुर्थी स्पेशल। तो चलिए, सबसे पहले तो उनके आने की खुशी में उनको भोग लगाया जाता है कुछ मीठा बनाकर। तो सबसे पहले मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ गणपति जी के लिए। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं कुछ टेस्टी सा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नारियल के लड्डू बनाने के लिए। बस मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल रोस्ट करा, और ऊपर से मैं एक क्रश्ड बादाम डाल रही हूँ इसमें। क्या बना रहे हो रीनू? लड्डू को शेप देने की कोशिश करी मैंने मोदक वाली, लेकिन प्रॉपर तो नहीं बन पाए, पर हाँ मोदक वाली शेप प्रॉपर थोड़ी बहुत आ गई। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो आज है गणेश चतुर्थी, और हम लगे हुए हैं कल से ही उसकी तैयारियों में। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा का कुछ सामान लेने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ। मिल रहे हैं आम के पत्ते, और अभी हम लेने चल रहे हैं केले के पत्ते जो कि पूजा में यूज होने वाले हैं। लेट्स गो। अभी हमें मिल गए हैं केले के पत्ते, जो कि है बिल्कुल हमारे घर के पास मंदिर है, जो उसके पास में ही मुझे ये देखिए केले का पेड़ मिला है। तो अभी हस्बैंड गए हैं केले के पत्ते लेने के लिए। लेट्स सी। थैंक यू। यहाँ हमें मिल गए हैं दो केले के पत्ते। गणपति बाप्पा मोरिया, तीन चार गणपति जी की जय जयकार, एक दो तीन चार लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चौंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता। जय जय
जैसे तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता जैसे उजैनी। दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता जय देव जय देव। गजमुख को सोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता जय देव जय देव। इंदुर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को सोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता जय देव जय देव। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को सोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता जय देव जय देव। गाइस कैसे हैं आप सभी। तो अभी हो गई है शाम और टाइम हो गया है शाम की आरती का। तो जैसे कि आज हमारे घर में आए हुए हैं हमारे गन्नू महाराज जी, तो अब उन्हें भी भोग लगाने का टाइम है। तो मैंने उनके लिए अभी क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने गन्नू महाराज जी के लिए स्वीट राइस बनाई है, साथ में दही है, सम बिस्किट्स एंड फ्रूट। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को पीले रंग से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि जो भी उन्हें भोग चढ़ाया जा रहा है उसमें पीला रंग ज़रूर हो। तो चलिए शाम का टाइम हो चुका है और करते हैं उनकी आरती और लगाते हैं उन्हें भोग। अभी मैंने शाम की पूजा भी कर ली है। तो ये था मेरा आज का दिन। गन्नू महाराज जी आज हमारे घर आए हैं, आज हमने उनको अच्छे से भोग लगाया है, उनकी सेवा करी है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बेल आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।